हेलो एवरीवन, वेलकम टू सेक्टर 34 चंडीगढ़। दिस इज़ एन एग्जीबिशन ग्राउंड जहाँ पे मेले लगते रहते हैं पूरे साल फ्रॉम डिफरेंट थीम्स। सो टुडे वी आर हेयर एट दिस फेमस मेला एंड वी विल गेट टू नो के जो वेंडर्स हैं, जो पब्लिक है, उनकी क्या पॉइंट ऑफ व्यू हैं, उनका क्या परसेप्शन है। एंड हम टाइम से थोड़ा पहले आ गए हैं ताकि हम सारा कुछ सेटअप होते हुए देखें, सबसे बात करें, उनकी पर्सनल लाइफ के बारे में जानें एंड उन्होंने कितना टाइम यहाँ पे मेले में काम किया है। सो लेट्स गो स्टॉल टू स्टॉल एंड टॉक टू सम वेंडर्स। जी, आपका नाम क्या है? मेरा नाम नईम अख्तर है। मेरा नाम जी मोहम्मद तौफीक है। राजू बनर्जी। साहिल। सतिकाल जी। सिमरनजीत सिंह नाम है जी मेरा। मेरा नाम हर्ष कुमार। मेरा नाम अयुब खान है। आप कितने टाइम से मेले में अपना स्टॉल लगा रहे हो? मुझे 37 साल हो गए। मुझे कोई 15 साल करीब हो गई। ये कम से कम 25-26 साल हो गया। बोलिए होंगे 10 दिन। अपन जी मेले जी 2-3 साल तो ला रहे हैं यहाँ। सारे अपन वक्त वक्त मेले लाई दिए जगह जगह पे। 10-12 साल हो गए। हमें तो हो गई, मेलों में तो बहुत साल हो गए हमें लगाते लगाते। और आप क्या चीज़ खिलाते हो? ये बच्चों के लिए मनोरंजन कराते हैं। अच्छा। ये गेम्स हमारा, ये 5 गिलास गिराने होते हैं। ये 5 गिलास गिराएंगे तो 200 का इनाम है, 50 का शॉट होता है। ये लकी ड्रा मैम। हाँ जी जी, थोड़ा बताइए इसके बारे में। ये 6 बॉल होती हैं। ये 6 बॉलों का आप इस लाइन से प्ले करो कि नंबरों के अंदर आ जाएगी मैम। ठीक है। ये आपका जो छोड़ा हुआ बॉल जिस जिस नंबर के अंदर आएगा उसका नंबर प्ले प्लस करेंगे, जब 5 और 2 7। ऐसे 6 बॉलों का नंबर प्लस करके टोटल में नंबर बनाना है कोई भी एक आपको इनमें से, और उसी नंबर के नाम आपको इधर से दिया जाता है। क्या बेचते हो? बड़ा पाव, पाव भाजी, दबेली, डोसा, चाट पापड़ी। तो ये सारा स्टॉल आपका है? हाँ। अच्छा। अपने को सारा इटालियन फूड होता, जितना कि अपना पिज्ज़ा हो गया, बर्गर, रैप वगैरह, सारा इटालियन फूड होता अपने को। स्टेशनरी टॉय। हम चीनी मिट्टी का सामान बेचते हैं, क्रोकरी का। अच्छा। कितने आपके पास कस्टमर आ जाते हैं और अच्छी खासी कमाई जाती है इससे? कमाई भी हो जाती है, नुकसान भी हो जाता है, दोनों चीज़ होती है। कस्टमर आ गए तो कमाई हो जाती है, नहीं आते तो नुकसान हो जाता है। ठीक है। बराबर में जो है ये रिंका स्टॉल है। हाँ जी जी, ये रिंका स्टॉल है, इसमें छल्ले पाने पड़ते हैं। जेडे आइटम में आएगा वो आइटम फट हो जाएगा। ये तो ठेकेदार लोग ही बता पाएंगे जी, मैं तो मजदूरी पाऊंगा। थोड़ा बहुत तो हो ही जाता है। फिर मैम ठीक रहेगा, थोड़ा बहुत कमीशन होता है, बाकी 2-4 हज़ार रुपये रेट पे आ जाते ही। थोड़ा नया नया हो काम तो थोड़ा कम रहता है, जैसे 2-4 दिन हो गए पब्लिक की आदत। ठीक है। और मतलब आपका अच्छा खासा प्रॉफिट हो जाता है स्टॉल लगाने से? हाँ जी, हो जाता है, कई बार नहीं भी होता, कई बार हो गई है। पब्लिक आती है यहाँ पे, प्रॉफिट भी अच्छा खासा हो जाता है। हाँ जी। ठीक है। और आपका अनुभव कैसा रहता है ये सब बेचने में, क्या मुसीबतें रहती हैं? मुसीबतें क्या, बस आंधी बारिश का खतरा रहता है, काम बढ़ जाता है हमारा बहुत। शुक्रिया आपके टाइम के लिए। Now it's finally evening and it is so lively here. This aeroplane which you are seeing is the main theme of this mela. It is here to promote Singapore Airlines. When you look around, you can see people clicking selfies in these selfie booths. This is another attraction of this mela. The first time they have set up these selfie booths for people to enjoy and go around and be innovative with their selfies. You can see this 360 degree selfie camera as well. There are variety of stalls at this mela and many many products to choose from. There are so many rides that are kid friendly and kids can enjoy themselves fully. You can buy, eat, drink, do anything over here and it is very clean. Namaste ji, aapka kya naam hai? Sanjeev Kumar. Aap owner hai yahan mele ke? Nahi, owner nahi, hum management sambhalte hain. Kitna time ho gaya aapko ye management sambhalte hue? 10-12 saal ho gaye. Kitni ko bheed aa jati hai, kitne log aa jate hain? जनरल डे में तो चलो क्राउड थोड़ा कम रहता है, सैटरडे संडे भीड़ क्राउड अच्छा रहता है। ये मेला कब तक चलता रहता है, कितने टाइम तक चलता है? 30 जून तक चलेगा। 30 जून तक चलेगा। आपका जैसे अच्छा खासा प्रॉफिट वगैरह हो जाता है मेले से? प्रॉफिट तो है, जैसे पब्लिक ऊपर डिपेंड करता है, जब पब्लिक अच्छी आएगी तो प्रॉफिट भी निकल जाएगा, अगर पब्लिक ना आएगी तो प्रॉफिट कम रहेगा। बाकी मेले के खर्चे भी बहुत होते हैं, पूरा दिन स्टाफ है, फिर डीजे, सफाई, हर चीज़ बहुत खर्चे होते हैं। क्योंकि लोग कहते हैं ना कि 34 का मेला सबसे फेमस मेला होता है। 34 का मेला फेमस है और इस बार हम एक नई चीज़ें लेके आए हुए हैं,
सिंगापुर का एयरलाइंस, उसका गेट का अट्रैक्शन रहेगा पब्लिक के लिए। काफ़ी रील्स भी बन रही हैं यहाँ की। हाँ जी बिल्कुल। हाँ जी, और आप कुछ कहना चाहेंगे लोगों को कि यहाँ पे ज़रूर आइए? बस छुट्टी का टाइम है, स्कूल में छुट्टियाँ हैं, दिन में गर्मी बहुत है, शाम के टाइम आइए, इन्जॉय कीजिए। फूड स्टॉल लगे हैं, झूले हैं, सेल्फी पॉइंट है जो चंडीगढ़ में पहली बार लेके आए। थैंक यू सो मच आपके टाइम के लिए। थैंक यू। मैंने पहली बार ये सेल्फी बूथ 360 सेल्फी वाला यहाँ पे विद स्मोक देखा है, तो यहाँ पे पहली बार सेटअप किया मेले में? नहीं, ये तो हमेशा आता, लेकिन इस बारी जो इधर हुआ तो थोड़ा अच्छा बढ़िया हुआ यहाँ पे। कितने टाइम से स्टॉल लगा रहे हो? ये तो हम लोग को बहुत साल हो गए जी, और इस बार जो ये आपको एरोप्लेन बना वो बढ़िया बना है। काफी लोगों को शौक होगा यहाँ पे, तो काफी लोग आते होंगे? हाँ जी, बहुत देखने में आप सभी आपको सेल्फी लेते हुए नजर आएंगे सब। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। और प्रॉफिट आपका अच्छे से हो जाता है इनसे? चल जाता मैडम, गुजारा तो चल जाता है। क्या मुश्किलें आती हैं आपको? मुश्किलें कुछ नहीं आती, मुश्किलें क्या, अब रह रहे हैं हिंदुस्तान में, कमाना तो है, कमाएंगे फिर खाएंगे। People of all ages can enjoy at this mela. There are so many rides to choose from, like this Columbus and merry-go-round. You can eat whatever you feel like. There are variety of food dishes here and you can never get bored. There are so many different activities that you can do with your kids, your family members, your partners, or anyone else you enjoy going to mela with. आज मेला एंजॉय करने आए हो? बिल्कुल। आपने क्या क्या किया यहाँ पे आज? हमने अभी स्टार्ट किया है, अभी थोड़ी शॉपिंग की है, अब हम कुछ स्ट्रीट फूड खा रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं हर स्टेट का, और उसके बाद फिर से बच्चे कह रहे हैं राइड्स लेने के लिए, राइड्स लेंगे तो ये सब करेंगे। और ये 34 का मेला काफी फेमस है, तो क्या रिव्यूज हैं आपके, क्या थॉट्स हैं इसके बारे में? मुझे ऐसे लगता है कि आगे से थोड़ा कम है इस साल, जिस तरह मैं देख रही हूँ मेले की शॉप्स वगैरह कम है, राइड्स तो खैर अभी मैंने देखी नहीं है, और फूड कोर्ट भी थोड़ा कम ही लग रहा है। पहले मेरे हिसाब से जब पहले आते थे बहुत बड़ा मेला होता था, हो सकता है कि अभी दिवाली का टाइम ज़्यादा लगता है, अभी थोड़ा वैसे कम है, पर वी आर इन्जॉइंग अलॉट। आप कब आए हो यहाँ मेले में? अभी जस्ट अभी आए हैं, 10 मिनट हुए। क्या एक्सपेक्टेशन है आपकी, क्या क्या करना है आज, आपने क्या एक्सप्लोर करना चाहते हैं? राइड्स लेंगे, घूमेंगे, कुछ खाएंगे अच्छा सा। काफ़ी आजकल की टेंशन से यहाँ पे आप लोगों को लगता है कि यहाँ आके थोड़ा सा रिलैक्स हो पाओगे? हाँ शायद। तो आपको मेले में जाना पसंद है? बहुत अच्छा लगता है, मेरे को लगता है कि ये एक ब्रेक है हमारे डेली के लाइफस्टाइल से, रिलैक्स करने को मिलता है यहाँ पे। आप यहाँ पे कब आए थे? मेरे को आए हुए अभी हाफ एन आवर हो चुका है, एंड मैंने कुछ राइड्स लिए हैं, एंड मैंने कुछ थोड़ा बहुत खाया है। तो आपका एक्सपीरियंस अभी तक का कैसा रहा है? अभी तक मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है, एंड बहुत ज़्यादा रिलैक्सिंग एंड मज़ा आ रहा है मेरे को। तो क्या आपको राइड से डर लगता है या आपको मज़ा आता है राइड से? मेरे को जब आप स्टार्टिंग में वहाँ पर बैठते हो तब थोड़ा डर लगता है, थोड़ी सी होती है नर्वस, लेकिन जब वो चल जाती है राइड तो मज़ा ही आता है, वो बहुत ज़्यादा थ्रिलिंग होती है, मेरे को तो ऐसा लगता है। वो एड्रेनलिन रश हमें अच्छा लगता है। हाँ जी। कैसा लगता है मेला आपको? अच्छा मेला, मैं अपनी फैमिली के साथ आई हूँ, एंड मेरे रिलेटिव्स आए हैं पंजाब, तो मैं उनको भी लेके आई हूँ यहाँ पे। ओके नाइस। तो क्या क्या अब आगे एक्सप्लोर करने का इरादा है, क्या क्या करने के प्लान्स हैं आपके? एक वी हैव प्लान टू टेक राइड्स एंड वी विल एक्सप्लोर मोर एंड सम डू शॉपिंग आल्सो। नाइस नाइस। 34 के मेले में फर्स्ट टाइम आया? हाँ जी, 34 के मेले में फर्स्ट टाइम आया। और कितने बजे आ गए थे आप लोग? अभी बस 15-20 मिनट ही हुए हैं। तो अभी तक आपने क्या क्या किया इन 15-20 मिनट में? अच्छा, हमारी फ्रेंड अपने डेट के साथ इधर आई थी। वाह। और हमारे उसने बोला तुम चलो, हमें ऑकवर्ड ना हो, और उसने हमें पीछे छोड़ दिया, हमारे पास तो पैसे भी नहीं थे, उसने ही पे किया है। और अभी हम बस यहाँ पे नज़ारे देख रहे हैं, क्योंकि पैसे तो है नहीं, तो हो गया। अब बिना पैसों के और क्या प्लान है आपका, कि आप कैसे एक्सपीरियंस करोगे? बच्चों को छेड़ेंगे, जो बच्चे ले रहे हैं उनसे थोड़ा बोलेंगे कि कैसा मज़ा आ रहा है कि नहीं आ रहा है, हम भी थोड़ा इंटरव्यूइंग करेंगे, और बाकी हम थोड़े अंकलों को अपना दुख दर्द सुनाएंगे, क्योंकि मैं एक्सट्रोवर्ट हूँ तो मैं बता सकती हूँ कि ऐसा ऐसा अंकल दुख मेरी ज़िंदगी में ये है, और कॉम्प्लीमेंट्स देंगे और लोगों को कॉम्प्लीमेंट करेंगे, जो गर्ली एकदम सुंदर पटाखा बन के आएगी उन्हें बोलेंगे वाओ पटाखा लग रही हो, मतलब बस ऐसे बस ऐसे ही सभी करेंगे। तो आप गुड डीड्स चलाने आ रहे हैं, गुड वाइब्स। यस यस यस। चलो दैट इज ग्रेट। एंड आप क्या करते हो आप दोनों? एक्चुअली हम दोनों स्टूडेंट्स हैं और हम नीट यूजी की प्रिपरेशन। वाओ वेरी नाइस। कल ही रिजल्ट आया और AIR 1 कुछ 68 बच्चों को मिला है। ओके, कांग्रेचुलेशंस एंड ऑल द बेस्ट आगे आपको। थैंक यू, सेम टू यू, सेम टू यू। थैंक यू। मैं ये कहना चाहूँगी कि बस खुश रहो सारे, ठीक है, जिंदगी सबकी झुंड है, हमें लगता है कि वाओ इतने अच्छे से रह रही है, पर ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। तुम मेरी जिंदगी फॉरेस्ट सुनोगे तुम कहोगे सीरीज बननी चाहिए सीरीज। सो इट्स लाइक खुश रहो, जितना हो सके उतना खुश रहो बस।
होते हैं बिकॉज हम ये छोटे छोटे मोमेंट्स में अभी अगर कोई बाहर चला गया कोई कुछ चला गया ये मिस करोगे तुम लोग यार और अभी तुम्हें पैसा लगेगा कि झंड जिंदगी है पर इसी को मजा करेगी तुम्हें मजा आएगा थैंक यू सो मच फॉर योर इनपुट्स थैंक यू फॉर चूजिंग अस थैंक यू 34 के मेले में घूमते घूमते वी हैव हिट द साइबर क्राइम टीम जो अवेयरनेस फैला रहे हैं सो प्लीज अपने इन्फॉर्मेशन दीजिए प्लीज कुछ बताइए सबसे पहले थैंक्स टू सानवी जिन्होंने तो हम बस 5 मिनट लेंगे आपका हम यहाँ पर ना आज साइबर जागरूकता दिवस है जैसे हम चंडीगढ़ पुलिस हर मंथ की फर्स्ट वेडनेसडे को साइबर जागरूकता दिवस मनाती है जो अलग अलग जगह जाके अवेयरनेस करती है चंडीगढ़ में ठीक है जो हम अलग जगह जाके अवेयरनेस करते हैं तो आज हमारे 24 सेक्टर में हम आए थे उसी के लिए कुछ आपको अवेयरनेस करना चाहेंगे किसी भी अननोन लिंक या किसी को भी अपना OTP शेयर ना करें और किसी भी अननोन लिंक पर क्लिक ना करें और कभी भी अगर आपको बैंक का एम्प्लॉई इनके आपसे कॉल करे बोले कि आप अपना OTP या CVV हमें शेयर करें तो बिल्कुल कभी भी ना करें जागरूक रहें सतर्क रहें और अगर कभी भी आपके साथ साइबर फ्रॉड हो तो आप 1930 में कॉल कर सकते हैं या इनका साइबर पुलिस का अपना मतलब कि नेशनली ये हेल्पलाइन नंबर है ऑल इंडिया जहां मर्जी वैलिड है और इनकी वेबसाइट भी है cybercrime.gov.in आप अपनी कंप्लेंट रजिस्टर यहां करा सकते हैं थैंक यू सो मच इन्फॉर्मेशन देने के लिए एंड अभी तक आप कितने लोगों को अवेयर कर चुके हो यहां मेले में यहां चंडीगढ़ से अभी आज के दिन हम अप्रोक्स 200 से 250 लोगों को अवेयर कर चुके हैं वैसे अगर देखा जाए हमारी जब इंटर्नशिप स्टार्ट हुई थी तब से हम 30,000 या 34,000 के आसपास वाओ दैट्स वेरी नाइस कीप डूइंग दिस गुड टीम कांग्रेचुलेशंस थैंक यू सो मच सानवी क्या करते हैं आप मैं बेसिकली कैरियर काउंसलर हूँ एज वेल एज हेल्थ कोच हूँ मोगा से बिलोंग करता हूँ और यहाँ पर चंडीगढ़ घूमने आया हूँ और कुछ लोगों को गाइड करने आया हूँ हेल्थ के रिगार्डिंग तो आपका आज एक्सपीरियंस कैसा रहा और आपने क्या क्या बात की लोगों से एक्सपीरियंस अगर आपको सच बताऊँ तो मेरी ओर से अच्छा है लेकिन ओवरऑल अगर मैं सोसाइटी के अकॉर्डिंग तो काफ़ी बुरा है लोग अपनी हेल्थ को प्यार ही नहीं करते अगर किसी को आप बताना चाहोगे ना कि हेल्थ क्या है पता सबको है बट 90% भाग रहे हैं वो कहते हैं कि हेल्थ ये क्या होता है एक्चुअल में वो भूल गए हैं हेल्थ को कैसे ठीक रखना है तो वही गाइड करना मेरी ड्यूटी है और जो मुझे अच्छा भी लगता है तो आप कोई जगह बताएंगे जहाँ पे लोग आपको अप्रोच कर सकते हैं हेल्थ यहाँ पे चंडीगढ़ में आप पूछ रहे हो तो 34D में है हमारा क्लब है वहाँ पे हमारे पास बहुत सारे लोग आ रहे हैं अपनी हेल्थ पे काम कर रहे हैं सीख रहे हैं एजुकेशन ले रहे हैं और एक हेल्दी एंड फिट लाइफ भी जी रहे हैं आपको क्या लगता है कि फ्यूचर में इंडिया में आगे हेल्दियर ऑप्शन ज़्यादा होंगे जिस तरीके से हमारा जिस तरफ हम जा रहे हैं हाँ आज की जो जनरेशन है जैसे आप दोनों हो यंग एज हो तो आप जल्दी समझोगे लेकिन आपकी ये ड्यूटी है कि आप अपने आसपास अपने नेबर अपने फ्रेंड्स अपने घर पे सभी को साथ के साथ गाइड करें आप उनको थोड़ा मेंटेन करें और अगर चाहे मिलके ये काम हो सकता है अकेला मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ और अकेले आप भी कुछ नहीं कर पाओगे तो ऐसे क्या एक दो लाइन से जो आप बोलना चाहते हो लोगों के लिए उनकी हेल्थ के लिए या उनके करियर के लिए तो मैं आपको चार चीज़ें बताऊंगा जो हमारी लाइफ की मेन पिलर्स हैं हमारी लाइफ की प्रायोरिटीज फर्स्ट इज़ हेल्थ सेकंड इज़ मनी थर्ड वन इज़ अवर एंटरटेनमेंट एंड फोर्थ इज़ फैमिली आपको चारों पिलर्स को या चारों प्रायोरिटीज़ को सेट करना है जो कि हमने एक्चुअल में गलत की है बस इसको ऊपर नीचे करना सीख लें कैसे करना है आप मुझे कॉल कर सकते हैं कॉन्टेक्ट कर सकते हैं और उसको सेट करेंगे तो सब कुछ सेट हो जाएगा ये न्यू प्रोजेक्ट आया है यहाँ पे न्यू एरोप्लेन आया है वेरी नाइस अट्रैक्शन सो अभी तक लोगों का क्या रिएक्शन रहा है इसको देखकर ऐसे तो ठीक है ये ओनली सिंगापुर एयरलाइंस की प्रमोशन के लिए लगाया गया है एंड इससे पहले आपने कभी कोई ऐसा प्रोजेक्ट करा नो इट्स माय फर्स्ट टाइम हेलो एवरीवन मैं आई हूँ आज चंडीगढ़ सेक्टर 34 के ग्रैंड मेले में आज बहुत ज़्यादा आंधी तूफान चल रहा है और थोड़ी सी ड्रिजलिंग भी हुई थी बट एटलीस्ट धूप तो नहीं है जितनी ज़्यादा धूप चंडीगढ़ में हो रखी है आजकल सो मैंने यहाँ काफ़ी एक्सप्लोर किया है उन्होंने काफ़ी न्यू अट्रैक्शंस लगाई हैं जैसे कि सिंगापुर एयरलाइंस का ये एरोप्लेन सेक्टर 34 चंडीगढ़ के मेले में है दैट इज़ अमेजिंग काफ़ी जगहों पे सेल्फी बूथ्स लगाए हैं 360 सेल्फी कैमरा लगाया है बहुत न्यू चीज़ें इनोवेटिव चीज़ें लेकर आए हैं काफ़ी सारे लोगों से काफ़ी सारी चीज़ें पूछी उनके एक्सपीरियंसेस के बारे में पूछा एंड ये पूछा कि जो मेंबर्स हैं यहाँ पे उनको क्या डिफ़िकल्टीज होती हैं क्या उनका एक्सपीरियंस होता है क्या प्रॉफिट होता है एक मेले में अपना स्टॉल सेटअप करने का हमने सारा सेटअप भी दिखाया है कि मेले में आने से पहले कैसे सब सेटअप होता है यहाँ पे जो भी लोग घूम रहे हैं उनके बारे में भी कुछ पूछा है उनके एक्सपीरियंसेस भी पूछे हैं लोगों ने कुछ ख़तरनाक राइड्स लिए हैं तो उसके बाद उनका एक्सपीरियंस कैसा रहा है वो भी पूछा है यहाँ पे सब एज ग्रुप्स के लोग हैं एंड मैंने भी कुछ राइड्स लिए हैं इट हैज़ बीन अ वेरी नाइस एक्सपीरियंस एंड आई अर्ज एवरीवन टू कम टू सेक्टर 34 मेला